सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के खेलने के लिए प्राथमिक व हायर सेकेंडरी स्कूलों में राशि भेजी गई थी और वहीं खेल सामग्री में भ्रष्टाचार सामने आया है, जिसकी जांच एसडीएम घनश्याम धनगर के नेतृत्व में जांच दल द्वारा की जा रही है। वहीं खेल सामग्री गुणवत्ताहीन होने के साथ बिल में तारीखें नहीं है, साथ ही में जीएसटी नंबरों में भी गड़बड़ी सामने आई है। क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वयन एवं निगरानी समिति की बैठक में सांसद ने शासकीय स्कूल में वितरित खेल सामग्री की जांच करने को कहा था। इसी तारतम्य में बड़वानी व पार्टी ब्लॉक की एसडीएम बड़वानी द्वारा जाँच की। वही बड़वानी के धाबा बावड़ी में स्कूल में जाँच के प्रथम दृष्टि बिलों में अनियमितता सामने आई है। वही बिलों में राशि तो लिखी दिख रही है किंतु तारीख लिखी नहीं दिख रही है और साथ ही में जीएसटी नंबर में भी गड़बड़ झाला दिख रहा है। बिलों में प्रोपराइटर का नाम व मोबाइल नंबर नहीं होकर खेल सामग्री घटिया है। वहीं पार्टी ब्लॉक में जन शिक्षकों के दबाव से दो दिन पहले खेल सामग्री का बनाया प्रस्ताव ठहराव, सामग्री की क्वालिटी खराब, लाखों का हो सकता है घोटाला, जहां पर एसडीएम ने स्कूल में पहुंचकर देखी सामग्री की क्वालिटी। क्या नाम है मैडम आपका? पिंकी भार्गव। कहां पे पदस्थ आप? प्राथमिक विद्यालय अंजराणा। अच्छा, आपके यहाँ खेल सामग्री आई, क्या आपने खरीदा या किसी ने दिया? नहीं, हमने नहीं खरीदा। जन शिक्षा केंद्र उसाड़ा पे हमको बोला गया था कि आपने हमको चेक दे देना और सामग्री का बैग आएगा वो आपने जन शिक्षा केंद्र से ले लेना और बिल दे देना। जन शिक्षक कौन है? संजय पांजरे सर। इन्होंने ही कहा और इन्होंने ही दिया? हाँ सर। आपने कुछ नहीं किया उसमें? नहीं सर। और केस बुक वगैरह आपने कंप्लीट है, बिल वगैरह दिए? सर बिल वगैरह दे, हमको उसका बिल दे दिया। कितने हजार का? 5,000 का सर। और आपने चेक दिया कि नहीं? सर दे दिया चेक भी उनके कहने से। हाँ सर। क्यों दबाव में भी डाल रहे हैं क्या जन शिक्षक? नहीं सर, हमको कहता था कि तुमने स्वयं ने मतलब खरीदना है सामान, मतलब सिर्फ यहाँ जो सामान आएगा वो आपको ले जाना। बैठक कब हुई आपकी? सर ये अभी ठहराव प्रस्ताव बना, वो कल बैठक हुई थी। और ठहराव प्रस्ताव कब बना? ये सर कल ही बनवाया हमसे, वहीं पर बैठ कर बनवाया। क्या इसमें पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष मौजूद थे? नहीं सर, वो नहीं थे। आपने अकेले ने बनाया? हाँ सर, वहाँ सभी को बुला कर बनवाया था। किसने बनवाया? संजय पांजरे सर और रावत सर ने। इसमें रावत सर। आपने आपके तरफ से कुछ नहीं किया? नहीं सर, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं। दबाव भी आ रहा है क्या? नहीं सर, बस ऐसा बोल रहे थे कि बोले आप सिर्फ कह देना कि हमने स्वयं ने सामग्री खरीदी है। आपने ये नहीं सोचा कि मेरी भी नौकरी है, अगर इस तरीके से करूँगा तो गलत हो जाएगा? सर सोचा था उनसे, कई बार पूछा भी, लेकिन आगे से भी सिर्फ यही बोल रहे थे कि सिर्फ आपने आपका ही बोलना। इसका मतलब आपको दबाव में करवाया गया काम? हाँ सर, बोले कि मतलब आपने सिर्फ आपका ही कहना, किसी और का मत कहना कि मतलब हमने उनके कहने पे खरीदी। आज एसडीएम साहब भी निरीक्षण आए, क्या कह रहे हैं? सर वो भी वही पूछ रहे थे कि मतलब आपने सामग्री कैसे खरीदी, किसके दबाव में खरीदी कि नहीं, मतलब दबाव डाला था कि नहीं, कहाँ से खरीदी, स्वयं ने खरीदी, ये चीज़। आपने क्या बताया उनको? सर मैंने कि मतलब मैंने स्वयं ने नहीं खरीदी सामग्री, हमको जन शिक्षा केंद्र उसाड़ा पर कहा गया, उसी माध्यम से हमने वहीं चेक दिया और बिल भी और सामग्री वहीं से खरीद, वहीं से बैग उठा के हम लोग ले आए। सर खेल सामग्री को लेकर भी आज निरीक्षण किया गया, क्या पाया गया? खेल सामग्री प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में जो खेल सामग्री पिछले कुछ समय पहले खरीदी गई थी उसको लेकर प्रतिदिन शिकायत आ रही थी, उसी के तहत आज पूरी टीम के साथ हम लोगों ने निरीक्षण किया है और निरीक्षण आज अभी सतत रूप से जारी है। इसमें कई जगह प्राइमरी रूप से देखने में आ रहा है कि अनियमितताएँ पाई गई है, कहीं पे पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, वहीं क्वालिटी को लेकर भी सही नहीं है, तो इसको लेकर अभी जांच जारी है। जांच के बाद ही इसकी अंतिम रिपोर्ट कलेक्टर महोदय को भेजी जाएगी और उसके आगे जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर जन शिक्षक द्वारा दबाव में लाकर शिक्षकों को ये करवाया जा रहा है? शिक्षकों के द्वारा अपने बयान में बताया गया है कि जन शिक्षकों के द्वारा उनके ऊपर दबाव डाला गया है और दबाव को में दबाव डालकर जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। वह साक्ष्य जो कि पहले क्रिएट नहीं किए गए थे या जो प्रक्रिया का पालन पहले नहीं किया गया था उनको आज बैक डेट में तैयार किया जा रहा है, ऐसा शिक्षकों के द्वारा बताया गया है। सर सामग्री क्वालिटी कैसी? सामग्री का भी प्रथम दृष्टया देखने में क्वालिटी सही नहीं है, कुछ चीज़ों को हमने परख के भी देखा तो उसमें कुछ बैट है वो टूटे भी मिले हैं, वहीं कुछ चीज़ों को थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट करने पर भी कुछ चीज़ें टूट गई है। सर इसमें दोषी कौन पाया जाएगा?
इसमें जांच की जा रही है, जांच के विस्तृत जांच के बाद इसका प्रतिवेदन भेजेंगे और जो भी जिम्मेदार होंगे उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। सर, दो दिन पहले ही इनकी बैठक हुई, बैठक के माध्यम से इनको पूरा प्रोसीडिंग लिखवाई जा रही है। जो भी बातें बताई गई है वो भी हमारी जाँच में आई हुई है और इसका हम जाँच करके प्रतिवेदन भेजेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।